पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से झारखंड में थर्ड माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में डीजी खनन क्षेत्र से जुड़े हुए कई बड़े खनन कंपनियां और एक्सपर्ट मौजूद रहे। कॉन्क्लेव में नई तकनीक पर चर्चा हुई। देखिए रिपोर्ट। यह बात सही है कि झारखंड में खनन बड़े पैमाने पर होता है। लगभग 46% महत्वपूर्ण खनन कार्य झारखंड में होते हैं। कैसे इन कार्यों को आधुनिकता के साथ अंजाम दिया जाए कि जान माल की क्षति ना हो और प्रोडक्शन भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स झारखंड की ओर से थर्ड माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन रांची में किया गया। इस कॉन्क्लेव में खनन क्षेत्र से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रतिभागी मौजूद थे। फॉक्स इस बात का रहा कि मीनिंग को आधुनिकता तरीके से अंजाम देना चाहिए कि इसमें सेफ्टी बढ़ जाए। जो भी चेंजेस ला रहे हैं अपने बिजनेस में या अपने प्रॉफिटेबिलिटी में, वो इस चीज के ऊपर हमेशा फोकस होना पड़ेगा कि जिनके कारण बिजनेस उनकी ग्रो कर रही है उनका फोकस, उनका हेल्थ प्रायोरिटी होना चाहिए, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनकी कैशलेस फैसिलिटीज होनी चाहिए, उनके साइट पे उनको इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम होनी चाहिए। वक्ताओं ने कोयले की धुलाई की अच्छी यूनिट डालने की जरूरत पर जोर दिया। कहा गया कि फिलहाल इसकी कमी है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर कोयला का नुकसान भी होता है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी रह जाती है बहुत ही ज्यादा। और जो इंडिजिनस जो एक्चुअल वर्ड है उसका एप्लीकेशन आपको सबको दिखाई देगा, क्योंकि कोल होना अलग बात है, कोल वॉशरी होना उसका यूटिलाइजेशन है विद इन द स्टेट, कहीं जाना नहीं होगा और सारी इंडस्ट्री को उस कोल वॉशरी से फायदा मिलेगा। झारखंड सरकार के माइनिंग विभाग के JSMDC निदेशक शशि रंजन ने कहा कि खनन के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी बहुत गुंजाइश है। आगे नई नई तकनीक खनन के क्षेत्र में प्रभावी होती जा रही है, जिस कारण प्रोडक्शन भी बहुत बेहतर हो रहा है। माइनिंग इंडस्ट्री है, जो माइनिंग सेक्टर है, इसमें नए नए ब्लॉक्स, नए नए मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, उसकी कैसे माइनिंग की जाए और कैसे सेक्टर को इतना एफिशिएंट बनाया जाए ताकि सस्टेनेबल माइनिंग हो सके। और इसमें टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण रोल होता है और जितने ही अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी और जो मैकेनाइजेशन फार्म्स के माइंस की होगी उतना अच्छा आउटपुट भी होगा। खनन के क्षेत्र में तेजी से निजी ऑपरेटरों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। इसके कई फायदे भी हैं। नई कंपनियां नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं और उसमें ह्यूमन लाइफ सेफ्टी का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे जैसे वक्त बदलेगा, खनन के क्षेत्र में भी आधुनिक और तौर तरीके के साथ साथ मशीनरी का भी इस्तेमाल बढ़ता जाएगा। कैमरामैन मानस के साथ न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।